आज से करीब 100 साल पहले की बात है। सारंगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था जिसका नाम अमरजीत था, जो गांव के गरीब और बेबस लोगों की मदद भी करता था। गांव के लोग उन्हें देवता की तरह पूजा करते थे। गांव के कई लोग मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते थे तथा तालाब से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन गांव में एक ऐसा भी इंसान था जो बहुत बड़ा शराबी था। उसका नाम हरिया था। वो काम तो करता था लेकिन काम के जो भी पैसे मिलते उसको पूरा खर्च कर देता था, जैसे कि कुछ फालतू के सामान ले लेना, शराब पीना और जुआ खेलना। ये उसका हर दिन का काम होता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था जिनसे हरिया दारू पी के झगड़ा करता था, उसकी पत्नी को मारता था और अपने बेटे को भी काम पे भेजता था। मन ही मन हरिया जमींदार से बहुत जलता था और भगवान को हमेशा कहता था कि भगवान आपने उसे इतना अमीर क्यों बनाया है और मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। ऐसे में ही उसका दिन गुजर रहा था। एक दिन की बात है जब उसके बेटे का तबीयत खराब हो गया और हरिया जब मछली पकड़ के उसे बेचने बाजार जाता है तब वो पूरा पैसा खर्च कर देता है और जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा बीमार है। लेकिन उसके पास तो उसके बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। ऊपर से उसने दारू पिया हुआ था। तब नशे की हालत में भगवान को कोसने लगता है, अगर आपने मुझे अमीर बनाया होता तो आज मैं अपने बेटे का इलाज करा पाता। ऐसे करते हरिया भगवान को बहुत बुरा भला बोलता है। इधर उसके बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी बोलती है, भगवान को कोसना बंद करो और कहीं से भी मेरे बेटे के लिए दवाई लेकर आओ। पत्नी की बात सुनकर हरिया सोचता है कि क्यों ना मैं भी जमींदार के पास जाके मदद मांगूं, उससे पैसे उधार ले लूंगा, मेरे बेटे का दवा भी आ जाएगा और दारू के लिए भी पैसा मिल जाएगा और जमींदार का पैसा कभी वापस ही नहीं करूंगा। जमींदार तो अच्छा इंसान है, मुझ पे जोर भी नहीं डालेगा पैसे के लिए। इस इरादे से हरिया जमींदार के घर जाता है। जमींदार उसे अपने घर में बिठाता है और पूछता है, क्या बात है हरिया, आज अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? तब हरिया बोलता है कि जमींदार साहब, मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास उसके दवाई के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं जिससे मैं अपने बेटे के लिए दवा खरीद सकूं? जमींदार उसके सभी हरकतों के बारे में पहले से ही जानता था कि ये एक शराबी है और जुवारी है, और उस दिन भी हरिया जमींदार के घर दारू पीकर ही गया था। जमींदार थोड़ी देर सोचने के बाद हरिया से बोलता है, ये बात सही है कि मैं गांव वालों की मदद करता हूँ, उनको पैसे उधार देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हरिया बोलता है, क्यों जमींदार साहब, मैंने क्या किया? तब जमींदार बोलता है, अपनी हालत देखो, तुम्हारा बेटा बीमार है फिर भी तुम आज मेरे पास शराब पीकर पैसे उधार मांगने आए हो। अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे का इतना ही चिंता होता तो तुम अपने बेटे के लिए दवाई के पैसे जोड़ लेते। काम तो तुम करते हो लेकिन तुमने पैसा बचाना कभी नहीं सीखा। अगर मैंने तुम्हें पैसा दे भी दिया तो तुम मुझे वापस नहीं कर पाओगे। आज तक जिसने भी तुम्हारी मदद की है, जिसने भी तुम्हें पैसे उधार दिए हैं, तुमने उनका पैसा नहीं लौटाया है। ये कहकर जमींदार हरिया को वापस जाने के लिए बोलता है। हरिया जमींदार के घर से निकल जाता है। लेकिन जमींदार एक अच्छा आदमी था, उसे हरिया के बेटे का चिंता होने लगा था, इसीलिए जमींदार अपने नौकर से बोलता है कि अरे रामू तुम एक काम करो। रामू बोलता है, जी मालिक बोले। जमींदार बोलता है, तुम अभी दवा खाने जाओ और हरिया के बच्चे के लिए दवा लेकर आओ और हरिया के पत्नी को दे आओ ताकि उसका बेटा ठीक हो जाए। रामू दवा खाना चला जाता है हरिया के बेटे के लिए दवा लेने। इधर हरिया जमींदार के घर से निकलने के बाद एक चौराहे पे जाके बैठ जाता है और भगवान को कोसने लगता है कि आपने हमारे जमींदार को इतना अमीर क्यों बनाया है भगवान, और मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। और चौराहे पे बैठे बैठे रात हो जाती है। हरिया वही चौराहे पर ही सो जाता है। इधर रामू दवाखाने से दवाई लाकर हरिया के पत्नी को दे देता है जिससे हरिया का बेटा ठीक हो जाता है। इधर अगली सुबह जब हरिया सो के उठता है तो देखता है कि वो बादलों के बीच आसमान में है। तभी उसके सामने भगवान प्रकट होते हैं। हरिया ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया। तब हरिया भगवान से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और आप कौन हो? तब भगवान बोलते हैं, हरिया मैं वही हूँ जिसे तुम कल खोज रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, ये बताने के लिए भगवान भी
भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, जो मदद के काबिल होता है। तब हरिया भगवान को बोलता है कि भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है और हमारे जमींदार को इतना अमीर क्यों बनाया है? तब भगवान बोलते हैं कि इंसान अपने कर्मों से गरीब और अमीर बनता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हरिया बोलता है कि मैं कितना भी काम कर लूं, लेकिन हमारे जमींदार जितना बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा, वो जमींदार मुझसे आगे ही रहेगा। ये सुनकर भगवान एक ऐसा चमत्कार करते हैं कि जमींदार और हरिया दोनों एक बराबर हालत में आ जाते हैं। जमींदार भी गरीब हो जाता है और हरिया तो पहले से ही गरीब है। भगवान हरिया को बोलते हैं, लो अब मैंने जमींदार को भी गरीब बना दिया है। मैं तुम्हें एक साल का समय दे रहा हूँ, तुम अपनी मेहनत से अपनी लगन से अमीर बनो। उधर जमींदार भी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मेहनत करेगा। इतना बोल के भगवान हरिया को धरती पर भेज देते हैं। हरिया तब जमींदार के घर के पास जाता है, तब देखता है कि जमींदार का घर अब हरिया के घर जैसा ही हो गया है। हरिया अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि जमींदार अब मेरे जैसा गरीब हो गया है। हरिया अपने घर जाता है जहां उसका बेटा ठीक हो गया था। तब भगवान की कही हुई बात याद आती है। हरिया ठान लेता है कि अब वह बहुत मेहनत करेगा और अपने परिवार को खुश रखेगा और जमींदार से बड़ा आदमी भी बन जाएगा। हरिया मछली पकड़ने का एक कांटा लेकर तालाब जाता है और मछली पकड़ने लगता है। उधर जमींदार भी एक कांटा लेकर आता है और मछली पकड़ने लगता है। दोनों को 10-10 मछली मिलती है। फिर उसे बेचने के लिए दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार में एक मछली की कीमत 10 रुपये होती है। इसका मतलब हरिया अपने 10 मछली को बेच देता है और उसे 100 रुपये मिलते हैं, जिनसे वो अपनी पत्नी और बेटे के लिए कपड़े खरीदता है, खाने के लिए सामान लेता है और अपने लिए दारू भी ले लेता है। ऐसा करके वो अपना 100 रुपये का खर्च कर देता है। इधर जमींदार 10 में से 8 मछली बेचकर 80 रुपये कमा के अपने घर चला जाता है और जो 2 मछली जमींदार के पास बचा हुआ होता है उसे अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ खा के अपनी भूख मिटा लेता है। अगले दिन हरिया अपना मछली पकड़ने का कांटा लेकर फिर तालाब जाता है मछली पकड़ने। इधर जमींदार अपने 80 रुपये में से 50 रुपये का एक और मछली पकड़ने का कांटा खरीदता है और 30 रुपये में एक आदमी भी रख लेता है जो जमींदार को मछली पकड़ कर देगा। फिर हरिया को 10 मछली मिलते हैं और जमींदार को भी 10 मछली मिलते हैं और उसके साथी को भी 10 मछली मिलते हैं। हरिया अपने 10 मछली को बेच के 100 रुपये ले लेता है और अपने परिवार के लिए बढ़िया कपड़े और अपने लिए दारू ले लेता है। इधर जमींदार के पास अब 20 मछली हो जाते हैं, जिसमें से वो 16 मछली को बेच देता है, जिसके 160 रुपये मिल जाते हैं। बाकी बचे 4 मछली को पकाकर अपने परिवार के साथ खा लेता है। अगले दिन जमींदार दिमाग लगाकर 50 रुपये के फिर एक कांटा खरीदता है और 30 रुपये में एक और कार्यकर्ता भी ले आता है। अब उसके पास 2 कार्यकर्ता भी थे और उसको मिला के अब 3 लोग अगले दिन मछली पकड़ने जाते हैं। इधर हरिया अपने कांटे के साथ मछली पकड़ने जाता है। हरिया बाकी दिनों की तरह ही करता है और जमींदार भी अपना दिमाग लगाता है और मजदूर और कांटे खरीदारी करके मछली पकड़ने लगता है, जिससे जमींदार को बहुत फायदा होता है। ऐसे करते करते जमींदार फिर से अपना खोया हुआ साम्राज्य हासिल कर लेता है और हरिया अभी तक वही रहता है। रोज का 10 मछली और 100 रुपये के खाने पीने का सामान और दारू, साथ ही वो जमींदार को भी देखता है कि हमने एक साथ काम शुरू किया था लेकिन अब वो फिर बड़ा आदमी बन गया है और मैं वही का वही रह गया। हरिया को बहुत पछतावा होता है और भगवान की कही हुई बात भी याद आती है कि इंसान अपनी किस्मत से नहीं बल्कि कर्मों से बड़ा आदमी बनता है।